दोस्तों यूं तो हमारी दुनिया रहस्य से भरी हुई है। जहां आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो आपको कई अनसुलझे राज देखने और जानने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे में शायद ही आप जानते होंगे चीनी मुहर विरासत के बारे में। दरअसल 4 इंच की सील जिसका इस्तेमाल चीन के सम्राट स्टैंप के रूप में किसी पेंटिंग पर हस्ताक्षर करने के तौर पर करते थे। अब हांगकांग में उसकी नीलामी हुई तो उसकी अनुमान से 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। उसे करीब 143 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया था। पर आज हम आपको चीन के साई मुहर के इतिहास से रूबरू करवाएंगे जिसे जानकर आप कहेंगे कि आखिर ये तो बड़े कमाल की चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इस मुहर के विरासत से जुड़े इतिहास के बारे में। दोस्तों 21 ईसा पूर्व में किन शी हुआंग ने शेष युद्धरत राज्यों को नष्ट कर दिया और किन राजवंश के तहत चीन को एकजुट किया। हेशिबी जेटस्टोन का एक प्रसिद्ध टुकड़ा था जो पहले झाओ राज्य का था। चीन के नए सम्राट के हाथों में पड़कर उसने इसे अपनी शाही मुहर में बनाने का आदेश दिया। शब्द स्वर्ग से जनादेश प्राप्त करने के बाद सम्राट एक लंबा और समृद्ध जीवन जी सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ली सी द्वारा लिखे गए थे और सन शॉ द्वारा मुहर पर खुदी हुई थी। मुहर को जेड से उकेरा गया था क्योंकि प्राचीन चीन में जेड मनुष्य के भीतर की आंतरिक सुंदरता का प्रतीक था। प्राचीन चीन के कई मकबरों और कब्रों में सजावटी जेड शामिल थे जिसमें 1968 में एक हान राजकुमार लियू शेंग से संबंधित जेड दफन सूट भी शामिल था। हान राजवंश के दौरान चीनी ने जेड को अमरता के साथ उस बिंदु तक जोड़ा जहां कुछ व्यक्तियों ने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तरल रूप में जेड पीने का प्रयास किया। ये जुड़ाव स्वर्ग के जनादेश के विचार को आगे बढ़ाता है और हजारों वर्षों से चीन की सबसे मूल्यवान सामग्री जेड में मुहर क्यों उकेरी गई है। किनके दूसरे सम्राट की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी जियांग ने हान राजवंश के नए सम्राट को मुहर प्रदान की। इसके बाद इसे दायरे के हान हिरलूम सील के रूप में जाना गया। 9 सीए में पश्चिमी हान राजवंश के अंत में नए शासक वांग मांग ने हान साम्राज्ञी दहेज को सील सौंपने के लिए मजबूर किया। महारानी दहेज ने सील के एक कोने को चीरते हुए जमीन पर पटक दिया। बाद में वांग मांग ने कोने को सोने से बहाल करने का आदेश दिया। राजवंशों के उठने और गिरने पर भी ये मुहर चली गई। इसे एक वैध उपकरण के रूप में देखा गया जो स्वर्ग के जनादेश को दर्शाता है। अशांत अवधियों के दौरान जैसे कि 3 राज्यों की अवधि मुहर प्रतिद्वंद्वता और सशस्त्र संघर्ष का उद्देश्य बन गई। जिन शासनों के पास मुहर थी उन्होंने खुद को घोषित किया और अक्सर ऐतिहासिक रूप से उन्हें वैध माना जाता है। 3rd शताब्दी ईस्वी में हान राजवंश के अंत में जनरल सन जियान ने इंपीरियल सील को पाया जब उनकी सेना ने डोंगझुओ के खिलाफ अभियान के क्रम में खाली हान शाही राजधानी लुओयांग पर कब्जा कर लिया। इसे अपने प्रमुख सरदार युआन शु को दे दिया। युआन शु ने 197 में अल्पकालिक झोंग राजवंश के तहत खुद को सम्राट घोषित किया। इस अधिनियम ने सरदारों काओ काओ और लियो बेई को नाराज कर दिया जिससे प्रत्येक सेना द्वारा कई कुचल हार हुई। अन्य सरदारों ने शाही फरमान जारी किए जाने के बाद भी 199 में हराया था। सील के हाथों में आकाओ काओ जिसका बेटा काओ पी घोषित वी राजवंश की स्थापना की। राज्यों के जवाब में हान को वैध उत्तराधिकारी राज्य के रूप में 220 में शु हान और पूर्वी वू सील वेई राजवंश के सम्राटों के हाथों में बनी रही जब तक कि अंतिम सम्राट काओ हुआन को सीमायान के पक्ष में पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया। काओ से सीमा तक सील को पारित किया और 265 में जिन राजवंश की स्थापना की। सील को काओ वेई राजवंश, जिन राजवंश, 16 राज्यों की अवधि, दक्षिणी और उत्तरी राजवंशों की अवधि, सुई राजवंश और तांग राजवंश के माध्यम से पारित किया गया था। लेकिन 5 राजवंशों और 10 साम्राज्यों की अवधि 907 से 960 में इतिहास में खो गया था। 5 राजवंशों और 10 राज्यों की अवधि के दौरान और बाद में मुहर का भाग्य दर्ज नहीं किया गया है। जिस समय ये एक सम्राट के नियंत्रण से शारीरिक रूप से खो गया था वो ज्ञात नहीं है। 3 सिद्धांत मौजूद हैं कि ये कब और कैसे खो गया। बाद के तांग के अंत में जब अंतिम सम्राट आत्मदाह से मर गया, ईस्वी सन 946 में जब लियाओ के सम्राट ताइजोंग ने बाद के जिन राज्य के अंतिम सम्राट को पकड़ लिया, मुहर बाद के युआन सम्राटों के हाथ में आ गई। जब मिंग सेनाओं ने 1369 में युआन की राजधानी पर कब्जा कर लिया तो उसने युआन सम्राटों की 11 व्यक्तिगत मुहरों में से सिर्फ एक पर कब्जा कर लिया। विरासत की मुहर नहीं मिली। 1370 में मिंगी सेनाओं ने उत्तरी युआन राजवंश पर आक्रमण किया और पीछे हटने वाले युआन सम्राट द्वारा वहां लाए गए कुछ खजाने पर कब्जा कर लिया। हालांकि एक बार फिर हिरलूम सील नहीं मिली। ग्रेट सील ऑफ द एम्पायर ऑफ द ग्रेट किंग 1909 से 1911 में किंग कोर्ट द्वारा बनाई गई
किंग कोर्ट द्वारा बनाई गई आधुनिक मोहरों में से एक है। मिंग राजवंश की शुरुआत तक मोहर खो जाने के लिए जाना जाता था। ना तो मिंग और ना ही किंग राजवंशों के पास हेडलूम सील थी। आधिकारिक अकेले उपयोग ये आंशिक रूप से किंग सम्राट के लिए कई शाही जवानों बनाने के साथ जुनून बताते। निषिद्ध शहर में बीजिंग 25 जवानों का संग्रह है, क्रम विरासत सील के महत्व को कम करने के लिए। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में जब किंग साम्राज्य ने अपनी सरकार की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सुधारों का अनुसरण किया, तो शाही सरकार के दस्तावेजों और उपकरणों पर उपयोग के लिए आधिकारिक मोहरों की एक श्रृंखला बनाई गई। हालांकि पारंपरिक डिजाइन के बाद आकार में चकोर पश्चिमी सरकार की मिसालों की नकल में मुहर खुद लकड़ी के बने होते थे, और पहले किंग शाही मुहरों के विपरीत जो द्विभाषी चीनी और मांचू थे में केवल चीनी पाठ था, चार मुहरों की नक्काशी की गई। द सील ऑफ द ग्रेट किंग, द सील ऑफ द ग्रेट किंग सम्राट, द ग्रेट सील ऑफ द अम्पायर ऑफ द ग्रेट किंग और महान किंग साम्राज्य के सम्राट की मोहर। इनमें से ग्रेट किंग ऑफ द अम्पायर ऑफ द ग्रेट किंग ने खोई हुई विरासत की मोहर के लिए आधिकारिक आधुनिक प्रतिस्थापन का प्रतिनिधित्व किया। सील की मृत्यु बीजिंग में पैलेस संग्रहालय के संग्रह में है और कोई भी उपयोग के संकेत नहीं दिखाता है। १९१२ में किंग साम्राज्य के पतन के बाद चीन गणराज्य की सरकार ने भी इसी तरह चौकोर आकार की आधिकारिक मोहरों का एक सेट अपनाया। चीन जनवादी गणराज्य शुरू में एक समान वर्ग सील अपनाया, लेकिन ये 1954 तक इस्तेमाल से बाहर गिर गया। तब से कई मोहरों को खोई हुई विरासत मोहर के रूप में दावा किया गया है, लेकिन कोई भी जांच के दायरे में नहीं आया है। कम से कम एक मामले में संबंधित मोहर हेडलूम इंपीरियल सील के बजाय एक सम्राट की व्यक्तिगत मोहर थी। हालांकि यहां पर कोई एक मोहर मौजूद नहीं है, बल्कि मंगोलों की शाही मोहर, जापान की शाही मोहर, कोरिया की शाही मोहर, मांचुकू की शाही मोहर सील, सील पूर्वी एशिया, सील स्क्रिप्ट, नौ तिपाई कॉल्ड्रोन्स, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पीपल्स सरकार की मोहर, ये सभी मोहर कलाकृति के तौर पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको चीनी मोहर की विरासत के इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे जुड़ा कोई सवाल जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।